हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका वही हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। बेसिकली जो BGCL है वो एक आपको ज्वाइंट वेंचर देखने को मिलेगा गेल इंडिया लिमिटेड का। इवन यहाँ पे ग्रेटर कलकत्ता गैस सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड का आपको एक ज्वाइंट वेंचर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इवन अपने को अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपको पूरा देखना है बिना स्किप किए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म फीस भी ज़्यादा नहीं रखेगी, इवन 200 रुपये ही आपको यहाँ पे करना है। और जो SC ST कैंडिडेट है उनको यहाँ पे फ्री का फॉर्म देखने को मिलेगा, तो जरूर से अप्लाई कर देना। दूसरी बात है, हम बात करते हैं कि पोजीशन कौन सी देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे आपको पोजीशन देखने को मिलेगी वो जूनियर इंजीनियर की पोजीशन यहाँ पे निकाली गई है। बम्पर वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। किसी भी ब्रांच में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नॉन टेक्निकल की पोस्ट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई। अगर आपने BA BCOM BSc कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना। और जो आपका लाइक का टारगेट रहेगा 700+ आपको लाइक करवा देना। अपने दोस्तों के अंदर दबा के वीडियो को शेयर कर देना है। किसी भी टाइप की कोई भी कंजूसी नहीं करनी। कमेंट बॉक्स में आपको अपनी ब्रांच को मेंशन कर देना है। आपने अगर ITI किया तो आप अपने ट्रेड को मेंशन कर सकते हैं, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो आपको ब्रांच और आपके ट्रेड से रिलेवेंट देखने को मिलेगी। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पर इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली PDF डाउनलोड कर लिया है। PDF का लिंक और अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इवन मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन किया मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर जो वैकेंसी आ रखी है वो आपकी आ रखी है बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड की तरफ से, जो कि आपको ज्वाइंट वेंचर देखने को मिलेगा गेल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बढ़िया काम करते हैं तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो एक्सटेंड होता रहेगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक चलने वाला है, जिसमें जो इनिशियली 6 महीने रहेंगे वो आपके प्रोबेशन पीरियड के आपको देखने को मिलेंगे। टेबल नंबर 1 के अंदर वैकेंसी के बारे में दिखाया गया है, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल की वैकेंसी के बारे में। हम टेबल नंबर 2 में चलते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपर एज लिमिट, मंथली सैलरी, ये सारी चीज़ें टेबल नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेबल नंबर 2 रहेगा उसके अंदर बताया गया है कि आपका यहाँ पर सैलरी क्या रहेगा, पोस्ट कौन सी रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी उसके बारे में, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है। पहली जो पोजीशन है वो आपका जूनियर एसोसिएट की पोजीशन है, जिसमें नॉन टेक्निकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपने MBA कर रखा है, PGDM कर रखा है या फिर MMS कर रखा है, इन सारे स्पेशलाइजेशन के अंदर तब अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहेगा। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 30 साल यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं डायरेक्टली टेक्निकल वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर जो पहला वैकेंसी देखने को मिलेगा, जूनियर एसोसिएट मैकेनिकल डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें सैलरी आपका रहेगा मंथली 50,000 रुपये पर महीना, और आपकी एज लिमिट दी गई है 30 साल। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन बिल्कुल दिया जाएगा, घबराने वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने डिग्री कर रखा है, लाइक BBTech कर रखा है यहाँ पे मैकेनिकल के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल के अंदर 60% के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात की जाए एक्सपीरियंस के बारे में, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली फॉर 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम किया, लाइक GET की पोजीशन के लिए, इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन पर अगर आपने काम कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस जो देख सकते हैं बहुत सारे फील्ड में मांगे, अगर आपको इन सारे फील्ड में से किसी में भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट वैकेंसी निकाला गया है वो निकाला गया है जूनियर एसोसिएट का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। सैलरी आपकी रहेगी 50,000 रुपये पर महीने के हिसाब से, और एज लिमिट आपकी 30 साल यहाँ पे दी गई है। अगर आपने BBTech किया है इलेक्ट्रिकल के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई
कर सकते हैं। सेम यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बस एक साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रखा है या फिर सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन पर वर्क किया है, इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन पर वर्क किया है या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन पर अगर आपने काम किया है इन सारे फील्ड के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर, प्रोजेक्ट कमिश्निंग के अंदर, मेंटेनेंस एंड पेट्रोकेमिकल के अंदर, रिफाइनरी के अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, कमिश्निंग के अंदर, ऑनडम के अंदर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर या फिर ऑयल एंड गैस के अंदर अगर आपने काम किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों के लिए भी वैकेंसी है तो आप चेकआउट कर लेना, मैं मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जूनियर एसोसिएट का। बेसिकली ये अकाउंट वालों के लिए जिन्होंने यहाँ पे CA कर रखा है, CMA कर रखा है, वो नॉन टेक्निकल वैकेंसी, एक साल का ही एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है तो आप इसको चेकआउट कर लेना। सैलरी बहुत बढ़िया है। अगर आपका कोई भाई बहन नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो उनको वीडियो शेयर कर देना। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जूनियर एसोसिएट का वैकेंसी यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे सैलरी आपका रहेगा 50,000 रुपये, एज लिमिट आपकी 30 साल है। अगर आपने BBTech किया इलेक्ट्रिकल के अंदर, केमिकल के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, मेटलर्जी के अंदर, सिविल, प्रोडक्शन, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल, पेट्रोकेमिकल के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% के साथ अगर आपने ये कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपने हायर डिग्री कर रखी है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। एक साल का ही एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग या फिर इंजीनियर ट्रेनिंग या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन पे वर्क किया है इन सारे डिपार्टमेंट के अंदर तो आप यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जूनियर इंजीनियर या फिर जूनियर एसोसिएट कह लो या फिर जूनियर इंजीनियर कह लो, यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट में सैलरी 50,000 रुपये पर महीना है, एज लिमिट 30 साल है, फुल टाइम अगर आपने BBTech किया है सिविल के अंदर, 60% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एक साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं नॉन टेक्निकल की भी वैकेंसी, आप उसको अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे अगर आपके पास फुल टाइम की डिग्री है, डिस्टेंस में नहीं होनी चाहिए तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। सेकंड नंबर पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है उसके अंदर यहाँ पे 60% होने चाहिए मिनिमम आपके, ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर आप SC/ST या PWD कैंडिडेट हैं तो आपके 55% होंगे तो भी आपके यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, लाइक आपका एज लिमिट क्या रहेगा। तो एज लिमिट आपका यहाँ पे 30 साल रहेगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। सैलरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने चार्ट मेंशन कर रखा है सैलरी टेबल नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जूनियर एसोसिएट का सैलरी देखने को मिलेगा इन हैंड आपका 50,000 रुपये देखने को मिलेगा। वहीं अगर असिस्टेंट एसोसिएट का सैलरी 65,000 आपको पर मंथ के हिसाब से देखने को मिलेगा। जैसे जैसे पोजीशन यहाँ पे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सैलरी आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसमें अदर बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 3 साल का चलेगा। इनिशियली जो 6 महीने रहेंगे वो आपके प्रोबेशन पीरियड के देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस ज़्यादा नहीं रखा गया। अगर आप जनरल EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे और यहाँ पे आप पेमेंट ऑनलाइन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। वहीं अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 1 रुपया पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, डायरेक्टली मैं आपको अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उसके थ्रू आप अप्लाई कर देना। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपका फोटो रहेगा और सिग्नेचर रहेगा 200 KB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा यहाँ पे KB का नहीं होना चाहिए, फोटो अपलोड नहीं होगा। JPG फॉर्मेट के अंदर फोटो है तो भी यहाँ पे आपका चलेगा। ये सारी चीज़ें दे रखी है, अप्लाई का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है तो इनका मेल आईडी दे रखा है और इनके नंबर दे रखे हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करके या मेल करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। टाइमिंग भी दिया गया है यहाँ पे 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक आपको कॉल कर लेना है। 5 बजे की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉल नहीं उठाएंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, यहाँ पे आपके जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बच्चे फॉर्म को फिल आउट करते हैं तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए फायर एंड सेफ्टी के लिए तो इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यहाँ पे ये दे रखा है तो आप इसको देख लेना। अगर आप फायर सेफ्टी की पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 30/8/2022 से और जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो आपको 28/9/2022 मतलब कि 28 सितंबर का इसका लास्ट डेट रहने वाला है। उससे पहले पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपका भाई आपका इंस्टेंट रिप्लाई कर देगा। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट करके जरूर बता देना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि वो जॉब आपके लिए मिला सके। एंड व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।